वेलकम बैक टू माय वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट टूल ऑफ फ्लैश सीएस 3। आज हम फ्लैश सीएस 3 के जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग विथ फ्लैश टूल्स। इन प्रीवियस क्लास we have learnt the basic tools of flash. In this class, in this chapter, we will continue that tools and some new tools also. पिछले क्लास में आपने बेसिक टूल्स जो हैं जैसे कि सेलेक्शन टूल, सब सेलेक्शन टूल, लासो टूल, इस तरीके के जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। आज हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे और साथ ही कुछ नए टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टूल पैनल है फ्लैश सीएस 3 का, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्म टूल, ये हिस्सा, ड्राइंग टूल, सेकंड ड्राइंग टूल, व्यू टूल, दिस टू, कलर टूल्स, ये कलर टूल्स। ओके, तो ये डिफरेंट उसके सेक्शंस हैं जिसमें ये डिवाइड किया गया है। ये जो सेक्शन 1 है ये क्या है, सेलेक्शन एंड ट्रांसफर टूल। इन टूल्स का यूज करके हम किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स उसको रोटेट करना हो, उसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने हो, तो ये सारी चीजें हम इनको यूज करके कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ड्राइंग टूल्स। ये जो टूल्स हैं इनको हम कहते हैं ड्राइंग टूल्स। इनका यूज करके हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स वी कैन ड्रॉ एंड कलर इमेजेस एंड टाइप टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। यूजिंग दिस टूल वी कैन ड्रॉ एंड कलर इमेजेस एंड वी कैन ऑल्सो टाइप टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ओके, इनका यूज करके हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और साथ ही ड्रा कर सकते हैं इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, और उनमें कलर भी फिल कर सकते हैं। व्यू टूल्स, व्यू टूल्स जूम और हैंड, ये क्या करता है, जूम करना होगा इमेज तो हम जूम का यूज करेंगे, और जब उसको मूव करना हो, स्क्रीन हमारी, हमने जब उसको जूम कर लिया तो स्क्रीन जो होती है वो छोटी है और हमने इमेज को जूम कर रखा है, यानी इमेज बड़ी हो गई है, तो उसको मूव करने के लिए हैंड टूल का यूज हम करते हैं। कलर ऑप्शन, यानी कलर टूल्स जो होते हैं, ये कलर टूल्स हैं। यूजिंग दी जो टूल्स वी कैन फिल कलर टू अ इमेज, टू अ ड्राइंग, to an image, to an object, okay. So once, let discuss this tools. This is a selection tool and सब सेलेक्शन टूल्स। ये सेलेक्शन टूल और सब सेलेक्शन टूल है, इनका यूज हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। उसके नीचे के दो, इसको हम कहते हैं लासो टूल, ये भी एक सेलेक्शन टूल है लेकिन ये फ्री हैंड सेलेक्शन टूल कहते हैं इसको। ये क्या करेगा, हमको इस तरीके का
वो देता है एक टीचर, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग किसी अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी इमेज के इरेगुलर पार्ट को भी हम सेलेक्ट कर सकें। ओके, आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल यानी ये टूल, वी कैन यूज आई ड्रॉपर टूल फॉर पिकिंग अप कलर एंड स्टाइल्स फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग लाइंस, ब्रश स्ट्रोक्स एंड फिल एंड अप्लाई देम टू सम अदर ऑब्जेक्ट। दिस टूल इज यूज टू पिक कलर स्टाइल फ्रॉम अ गिवन एंड एनी एग्जिस्टिंग लाइन और ब्रश, एंड वी कैन अप्लाई दैट टू अनदर एरिया और टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो किसी कलर को किसी स्टाइल को पिक करेगा और उसको हम दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने पिक किया और उसको उस कलर उस पैटर्न को यहाँ हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो इस तरीके का जहाँ भी हमको यूज करना रहेगा उसको हम इस टूल को यूज करेंगे, जहाँ भी इस तरीके का कुछ करना होगा हमको। कैसे इसको यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम इस टूल पे क्लिक कर लेंगे, फिर उस एरिया पर ले जाएंगे जहां हमको कलर को पिक करना है। पिक कर लिए यहां से, यहां से हमने क्लिक किया और यहां से क्या कर दिया, उस कलर को या स्टाइल को पिक कर लिया। अब हम इंक बॉटल टूल यानी इस ड्राइंग टूल से जो यहाँ दिए गए इंक बॉटल टूल या पेंट बकेट टूल, जिसको भी हमको कलर करना होगा, ये तो हम पे डिपेंड है कि किसको कलर करना है। यहाँ से हम एक कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे और उस लाइन या उस एरिया पे अब क्लिक कर देंगे तो ये कलर यहाँ से पिक होके दूसरे पे भी वो स्टाइल वो कलर कॉपी हो जाएगी, वहाँ भी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है ये इसका काम है, द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अलाउ अस टू रिसाइज मूव एंड रोटेट एन ऑब्जेक्ट आर इम्पोर्टेड ऑन द स्टेज। कोई ऑब्जेक्ट कोई इमेज जो कि आप बनाया हो या इंपोर्ट किए हो ऑब्जेक्ट को स्टेज पे, उसको रिसाइज करना हो, मूव करना हो, रोटेट करना हो। रिसाइज मीन्स साइज को छोटा बड़ा करना है, मूव का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ले जाना हो, या रोटेट करना हो यानी इस तरीके से उसका एंगल चेंज करना हो। इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यहां से। अब इसको हम एक एक कैसे देखते, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसको रोटेट करेंगे, कैसे उसको रिसाइज करेंगे, कैसे उसको मूव करेंगे, ये हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां से टूल को क्लिक किए और ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद एक बॉर्डर इस तरीके से उस इमेज के चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा। अब इस बॉर्डर में हमको अलग अलग आप ऑप्शन देख रहे हो, जैसे वर्टिकल रिसाइजिंग हैंडल, हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग हैंडल, ट्रांसफॉर्म बॉर्डर,
कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल, और एक सेंटर में आप यहाँ पे सेंटर में एक डॉट देख होगा। अब अगर आप चाहते हो टू मूव द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू पोजीशन, अब ऑब्जेक्ट को हमको न्यू पोजीशन पे क्या करना है, ले जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लाएंगे, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब जो ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम अपना माउस पॉइंटर लाएंगे और माउस पॉइंटर शेप विल गेट चेंज्ड इन दिस शेप। ये जो आप शेप देख रहे हो इस शेप में हमारा माउस पॉइंटर अब चेंज हो गया। अब हम ड्रैग करके इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले सकते हैं। ओके, नाउ टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो क्या करें, रोटेट का मीन्स उसको एंगल को, उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, उसको घुमाना है। जैसे यहाँ अभी सीधा है, उसको हमने यहाँ थोड़ा सा उसका एंगल जो है वो चेंज कर दिया है। इस तरीके को रोटेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के तारों जो चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाएगा। अब बॉर्डर को हम माउस पॉइंटर को अपने कॉर्नर हैंडल के पास ले जाएंगे। ये कॉर्नर हैंडल है, यहाँ कॉर्नर हैंडल देखिए है, तो इस कॉर्नर हैंडल के पास हम ले जाएंगे, यहाँ भी किसी भी कॉर्नर हैंडल के पास उसको हम ले जाएंगे। उसके बाद हम माउस पॉइंटर जो हमारा है वो इस शेप में आ जाएगा, देखिए इस शेप में, इस तरीके का माउस पॉइंटर हमारे शेप में आ जाए, तब हम उसको अब मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जिधर भी मूव करेंगे आपका शेप है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में अब रोटेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट, अब किसी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना हो तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है रिसाइज करने के लिए। ये जो कॉर्नर हैंडल आपको दिख रहा है वहां हम जब माउस पॉइंटर ले जाएंगे कॉर्नर हैंडल के ऊपर, ओवर द कॉर्नर हैंडल, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर अ कॉर्नर हैंडल, किसी भी, ये फोर कॉर्नर हैंडल है, 1 2 3 4 कहीं भी आप ले जा सकते हो, एनी फोर। उसके बाद योर माउस पॉइंटर शेप विल गेट चेंज, आपका माउस पॉइंटर का शेप वो चेंज हो जाएगा जब इस फॉर्म में आ जाए, इस तरीके से कुछ, जब इस एरो की तरह दोनों साइड कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे उसको अब रिसाइज करेंगे। जैसे यहाँ इसको साइज को बड़ा करना था तो उसको हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, और हमको अगर उसके साइज को डिक्रीज करना होता तो हम ऊपर की तरफ उसको ड्रैग करते, ड्रैग करते तो क्या होता, हमारा माउस पॉइंटर के साथ ही इसकी साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज होती। ओके, तो हम इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को
मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। द टेक्स्ट टूल अलाउ अस टू टाइप टेक्स्ट ऑन स्टेज। इफ यू वांट टू टाइप योर नेम ऑन स्टेज और इफ यू वांट टू टाइप एनी टेक्स्ट ऑन स्टेज लाइक दिस, यू कैन टाइप यूजिंग टेक्स्ट टूल। अगर हमको कुछ लिखना है, जैसे यहाँ देखो लिखा गया है इस तरीके, कुछ टेक्स्ट लिखना है स्टेज पे, तो हम टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे हम? क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल टू सेलेक्ट इट ऑन द स्टेज वेर यू वांट टू टाइप टेक्स्ट, यू विल क्लिक। अ स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर ऑन स्टेज विथ अ ब्लिंकिंग कर्सर। हम क्या करना है, हमको जब हमको टेक्स्ट लिखना होगा तो ये टेक्स्ट टूल है जो टी है, यहाँ आपको दिख रहा है, यही क्या है, टेक्स्ट टूल है। तो जब हमको कुछ लिखना होगा स्टेज पे तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। चलिए, क्लिक करने के बाद हम उस पोजीशन पे क्लिक करेंगे स्टेज को जहाँ हमको लिखना होगा। जब आप वहाँ क्लिक करोगे स्टेज पे, यहाँ लिखना है, तो यहाँ जब जैसे ही क्लिक करोगे एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से यहाँ बन जाएगा और एक ब्लिंकिंग कर्सर भी वहाँ होगा, और जैसे ही आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे वो टेक्स्ट वहाँ लिखा स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज द लाइन जस्ट प्रेस इंटर की। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, जो टेक्स्ट आप लिखोगे उस टेक्स्ट के सेटिंग कुछ होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके का इफेक्ट, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सेटिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब उसके कलर को, उसके साइज को चेंज करना, तो कैसे हम करेंगे? तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे जैसे आप टेक्स्ट टूल यूज करोगे और टेक्स्ट टूल को जैसे सेलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन वन जो आप देख रहे हो, ये फॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलेवरी, इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, कुर्सी देव, तो उस तरीके का फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपको देख रहा है, यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, सो वी कैन सेलेक्ट फॉन्ट साइज फ्रॉम हियर। यहाँ से हम फॉन्ट साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट कलर, ऑप्शन थ्री है, यहाँ एरो थ्री पे। दिस ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट द फॉन्ट कलर, इसका यूज हम करेंगे फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करने के लिए। वी कैन अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक स्टाइल टू द टेक्स्ट, तो वो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, बोल्ड इटैलिक, यहाँ यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे बोल्ड इटैलिक। इसके आप राइट में अलाइनमेंट दिया गया है, जैसे फोर टाइप्स के होते हैं, फोर, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, तो ये यहाँ दिया गया है। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट का पोजीशन, किसी टेक्स्ट बॉक्स में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी पेज में, जो आपका पोजीशन होता है टेक्स्ट का उसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे लेफ्ट, अगर आप अलाइनमेंट पे टाइपिंग करोगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होगा, उसके अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट के साइड होंगे, वो लेफ्ट के तरफ अलाइन होगा। सेंटर से करते हो तो बीच से इस तरीके से टेक्स्ट आपका लिखेगा दोनों साइड। राइट से करोगे तो राइट से लिखेगा यहाँ से टेक्स्ट आपका इस तरीके से। जस्टिफाई कर दोगे तो दोनों से इक्वल इस तरीके से हमारा टेक्स्ट
जो पैराग्राफ है या लाइन से वो दोनों साइड से इक्वल आपको दिखेंगे। ये होता है अलाइनमेंट। पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज ऑन ए डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो अलाइनमेंट कहलाता है। ओके, तो इसको आप सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन जो दिया गया है, ये ऑप्शन यूज करके हम उसके ओरिएंटेशन के टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो हमारा होगा वो हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। हॉरिजेंटल मीन्स टेक्स्ट इस तरीके से लिखेगा जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम, ये जो ओरिएंटेशन है ये किस ओरिएंटेशन में है, हॉरिजेंटल। अब जब आप इसको चेंज करके वर्टिकल कर दोगे तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से लिखेगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन जो है इसको यूज करके आप इस ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो अब आप, अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे और उसमें फ्लैश है, अगर कंप्यूटर है फ्लैश नहीं है तो आप फ्लैश डाउनलोड कर लोगे और ये सारे प्रैक्टिकल करोगे। क्लियर?